सैन्य तख्तापलट के बाद सूडान के सैन्य शासन ने देश में मौजूद अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस समेत 6 देशों के राजदूतों को निकाल दिया। इन देशों ने सूडान में सैन्य कार्रवाई का विरोध किया था। फ्रांस ने ब्रिटेन की मछली पकड़ने वाली नावें पकड़ी। फ्रांस की समुद्री सीमा में मछली पकड़ने के बाद ये कार्रवाई हुई। ब्रेक्सिट के बाद से फ्रांस और ब्रिटेन के बीच समुद्र में मछली पकड़ने को लेकर विवाद चल रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने चीन के आक्रामक होते तेवर के बीच जंग के लिए तैयार रहने की बात कही है। साथ ही कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान को खुद लड़ने में सक्षम बनना होगा और दूसरे देशों पर निर्भरता घटानी होगी। अमेरिका ने ट्रांससेक्सुअल लोगों के लिए पासपोर्ट जारी किया है। नए पासपोर्ट में लिंग के स्थान पर एक्स लिखा होगा। इससे ट्रांससेक्सुअल लोगों की पहचान होगी। चिली में सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ा नियम हटा दिया गया। सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दूसरे देशों की तुलना में यहां वैक्सीन लगवा चुके लोगों की दर बेहतर है। ब्रिटेन में कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने की दीवार पर मरने वालों को याद किया गया। हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने की दीवार पर मरने वालों की याद में हजारों दिल बनाए गए। ब्रिटेन में अब तक 140,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ब्रिटेन पॉपी अपील की शताब्दी को उन लाखों लोगों के प्रतीक के रूप में मना रहा है जो पहले विश्व युद्ध में मारे गए थे। प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला ने बुधवार को इस साल की पॉपी अपील को लॉन्च किया। पॉपी अपील दरअसल बुजुर्ग और पूर्व सैनिकों की मदद के लिए फंड इकट्ठा करने की मुहिम है जो 100 साल पहले 1921 में शुरू हुई थी। लुइजियाना में चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान से किस कदर घर उजड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि एक दर्जन से ज्यादा घर इस तूफान की चपेट में आए हैं। बताया जा रहा है कि 2 लोग इस तूफान में घायल भी हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के तनुंदा में कुदरत का कहर बरपा है। यहां बेहिसाब बरसात के बाद जमकर ओलावृष्टि हुई है। जगह जगह सड़कों पर सैलाब है जिससे आने जाने वाले को जमकर परेशानी हो रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पानी ने घरों और दुकानों में कब्जा जमा लिया है। पानी से यहां हालात बेहद खराब हैं। टर्की की दूसरी सबसे बड़ी झील पर जलवायु परिवर्तन का असर पड़ा है। 1665 किलोमीटर वाली झील पहले की तुलना में काफी हद तक सूख गई है। आम लोगों के साथ साथ जंगली जानवरों के लिए ये झील पानी का मुख्य स्रोत है।